तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं रेलवे हॉलिक। तो मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि है जबलपुर जंक्शन वर्सेस भोपाल जंक्शन। दोनों मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन हैं और एक मध्य प्रदेश की राजधानी है और एक मध्य प्रदेश की बड़ी सिटी है। तो चलिए देखते हैं दोनों में कौन सी बड़ी रेलवे स्टेशन है। तो पहले बात करते हैं ये दोनों के कोड और जोन के बारे में। तो भोपाल का जोन है BPL और वहीं पर जबलपुर का जोन है JBP और दोनों को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो बात करते हैं सबसे पहले स्थापना यानी इस्टैब्लिश के बारे में। तो 1910 यानी 1910 में भोपाल जंक्शन की स्थापना हो गई थी, जो कि 112 साल का हो गया है। और उसके बाद 1952 काफ़ी बाद 1952 में जबलपुर जंक्शन की स्थापना हुई। और इलेक्ट्रिफाइड का यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, दोनों ही रेलवे स्टेशन का अवेलेबल, तो माफ़ करिएगा ये हम आपको बता नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। तो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म भोपाल जंक्शन में है, वहीं पे जबलपुर में 7 प्लेटफॉर्म है, 6+1A। और ट्रैक्स में भोपाल में 9 हैं, जबलपुर में 10 हैं। इस मामले में जबलपुर आगे है, प्लेटफॉर्म वाले मामले में भी जबलपुर आगे था, लेकिन स्थापना वाले मामले में भोपाल आ गया था। तो 2 पॉइंट जबलपुर को और 1 पॉइंट भोपाल को मिल चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं रेलवे रूट के बारे में। तो दोनों ही रेलवे स्टेशन से 4-4 रेलवे रूट क्रॉस करती है। तो बात करते हैं भोपाल की, तो आगरा भोपाल सेक्शन भोपाल नागपुर न्यू दिल्ली चेन्नई और उज्जैन भोपाल सेक्शन है। और जबलपुर की बात करें तो मुंबई हावड़ा सेक्शन, अलाहाबाद जबलपुर सेक्शन, जबलपुर इंदौर लाइन, जबलपुर गोंडिया लाइन, ये जबलपुर के लाइन है जो कि जबलपुर से क्रॉस करते हैं। दोनों में ही 4-4 रेलवे रूट क्रॉस करते हैं, तो ये मामला बराबर का रहा। हॉल्टिंग ट्रेनों की बात करें तो 210 ट्रेनें आके भोपाल में स्टॉप लेती हैं, वहीं 147 यानी 147 ट्रेनें आके जबलपुर में स्टॉप लेती हैं। तो इस मामले में भोपाल आगे है, लेकिन ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के मामले में जबलपुर आगे है 26 ट्रेनों के साथ। 26 ट्रेनें आके यहाँ पर ख़त्म होती है और यहीं से 26 ट्रेनें खुलती है, और 18 ट्रेनें भोपाल में आके ख़त्म होती है और 18 ट्रेनें यहां से खुलती है। रेटिंग के मामले में बात करें तो जबलपुर इसमें आगे है 4.3 रेटिंग के साथ गूगल रेटिंग है, और 3.9 की रेटिंग भोपाल जंक्शन की है गूगल रेटिंग के मामले में। पैसेंजर पर डे की बात करें तो गूगल विकीपीडिया के हिसाब से एवरेज 60,000 पैसेंजर पर डे भोपाल जंक्शन से ट्रैवल करते हैं, वहीं पर जबलपुर जंक्शन से एवरेज 1,00,000 पैसेंजर पर डे जबलपुर जंक्शन से ट्रैवल करते हैं। तो इस कंपैरिजन वीडियो में जबलपुर जंक्शन भोपाल से थोड़ा आगे है, जो कि 4 पॉइंट है, और भोपाल जंक्शन को 2 पॉइंट मिला है और 1 पॉइंट दोनों में बराबर में बट गया है। तो यहाँ पे जबलपुर जंक्शन जिसमें आगे है वो है प्लेटफॉर्म और ट्रेन ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के मामले में और गूगल रेटिंग के मामले में, और भोपाल जंक्शन जिसमें आगे है वो है हॉल्टिंग ट्रेनों और इस्टैब्लिश यानी स्थापना के मामले में। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।